अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। सबसे पहले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबको मेरे तरफ से होली मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो। और इस होली के मौके पे बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और ख़ास आप लोग के लिए है, जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन सब्सक्राइबर जितने भी हैं सब उन लोग के लिए हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे तरफ से आपकी पूरी फैमिली को होली मुबारक हो। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल बहुत ही खास रेसिपी। इस खास रेसिपी का नाम है डबल स्मोकी पुदीना पनीर स्टफिंग टिक्का। इसे आप ज़रूर बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। होली के मौके पर आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए, जितने भी गेस्ट आएंगे उन्हें बनाकर खिलाइए, सबका दिल खुश हो जाने वाला रेसिपी है ये। जब भी बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और पनीर की मोटाई 3 से 4 इंच की होनी चाहिए, तब जाके स्टफिंग बहुत अच्छी आएगी। देख लीजिए इस तरीके से, और हमें कट लगा देना है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर दी हूँ कि इक्वल में पूरे टुकड़े कटे, देख लीजिए, और इन सबको मैं काट लेती हूँ। बहुत ही पतला पतला नहीं करना है, इतना मोटा रखना है। इसी तरीके से आप भी काटिएगा। अब यहाँ पे मैं भी कट नहीं लगाऊंगी, ये कट मैं बाद में लगाऊंगी, दिखला दूंगी। सबसे पहला स्टेप हमें पनीर को मैरिनेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ थोड़ा सा धनिया, 3 मिर्ची, मिर्ची कम डालें क्योंकि स्टफिंग में भी मिर्ची पाउडर है यूज़ होगी, और लहसुन देख लीजिए 6 से 7 कली लहसुन ली हूँ मैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, नमक, लेमन जूस और पुदीना का पत्ता, इन सारी चीज़ों को मैं धो ली हूँ। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है और इसे हमें फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ मैं चटनी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी हूँ क्योंकि पनीर का टिक्का जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में खाने के लिए मैं इसे यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पर आधा डाल दे रही हूँ, देख लीजिए एक बॉल में। और ये चटनी खाने में भी यूज़ हो जाएगी। अब हमें सारे पीसेस को इसमें डाल देना है, पनीर के पीसेस को, और अच्छे से हमें मिला लेना है हल्के हाथ से। पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, टूटे ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे मैरिनेशन के लिए हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, तो मैं ढक के रख देती हूँ और इसे बाहर ना रखें, फ्रिज में ही रखें। और मैं आधे घंटे बाद दिखाती हूँ इसका करना क्या है। पुदीना पनीर टिक्का की स्टफिंग है ये। यहाँ पे मैं ली हूँ 1/2 कप गाजर, इसे फाइन चॉप कर लेना है, और थोड़ी सी प्याज, इसे भी फाइन चॉप करना है। ये है ब्रोकली, मुझे बहुत पसंद है, मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हमें चाहिए शिमला मिर्च, स्टफिंग बहुत अच्छी आएगी, स्टफिंग की टेस्ट। और हमें यहाँ पे लेना है 2 क्यूब इस तरीके का, बहुत छोटा सा बटर का 2 क्यूब लेना है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरीके से चूर कर लें, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, तीखी वाली मिर्ची है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी नमक अपने हिसाब से रखें। सबसे पहले हमें यहाँ पर डाल देना है बटर, बटर के साथ ही हमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज हमें हल्का सा लाइट ब्राउन करना है और इसके साथ डाल देना है सारी सब्जियों को, प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। और अदरक लहसुन हमें अभी नहीं डालना है, इन मसालों को हमें अभी ऐड कर देना है, अदरक लहसुन हमें थोड़ा बाद में डालना है। इसे 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं इसे भून लेती हूँ। 2 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें हमें डाल देना है अदरक लहसुन और अच्छे से चला लेना है, और हमें इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट कुक करना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस सब्ज़ी को, इस बात का ख्याल रखिएगा, और बहुत ही अच्छी फिलिंग बन के हमारी तैयार हो जाएगी। सात मिनट हो चुके हैं, स्टफिंग रेडी है।
मसाले का जो स्मेल होता है बिल्कुल नहीं आ रहा है, देख लीजिए इससे ज़्यादा पकाने से ये जल जाएगा। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। अब मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ। अब हमें इसमें देना है स्मोकी फ्लेवर, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉल रख रही हूँ, अलमुनियम फॉल है, ये काफ़ी गर्म है कोयला हमारा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसे मैं ढक देना है। ढक के इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए रखना है, इसे खोलना नहीं है, देख लीजिए इसे अच्छे से ढक के रख देना है। स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें एक उठाना है और यहाँ से थोड़ा सा कट लगाना है, हल्का सा, पूरा नहीं निकालना है, देख लीजिए इस तरीके से, इतना बाकी रहना चाहिए। और इसमें हमें भर देना है इस स्टफिंग को, इस तरीके से, ये खुलना नहीं चाहिए। और इसे दाब के इस तरीके से सारे को हमें कर लेना है। देख लीजिए इससे ज़्यादा हमें नहीं खोलना है। देखिए सारे हमें तैयार कर लेना है इसी तरीके से। देख लीजिए पनीर का सारा स्टफिंग अच्छे से हो चुका है। अब इस बचे हुए मिक्सर को फेंकना नहीं है, इन सारे पनीर पे लगा देना है हमें। और हमें 2 क्यूब चाहिए था बटर का, एक मैं आप लोगों को दिखलाई थी, एक नहीं दिखलाई थी, एक हमें अभी यूज़ करना है, एक स्टफिंग में यूज़ करना है, एक हमें ग्रिल के वक्त यूज़ करना है। एक तरफ मैं चारकोल चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए और एक तरफ पैन में बटर डाल दी हूँ। अब हमें इन सारे पनीर के पीसेस को इस तरीके से रखना है। इसे ढकना नहीं है और फ्लेम को हमें कर देना है मीडियम फ्लेम पे। इसे 6 से 7 मिनट लगेंगे, दोनों तरफ से हमें सेक लेना है। छः मिनट हो चुके हैं, मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त डबल स्मोकी स्टफिंग पुदीना पनीर टिक्का बनकर रेडी है। चलिए अब मैं इसे डबल स्मोकिंग दे ही दे रही हूँ, एक बार तो हो चुका है, दूसरी बार और इसे कवर कर देना है और इसको भी हमें बंद कर देना है। एक आटे से मैं यहाँ पर कवर कर दे रही हूँ और इसे निकालना नहीं है बाहर, देख लीजिए कितना ज़बरदस्त का स्मोकी है, निकालना नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।
टिक्के की प्लेटिंग हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चारकोल की। यहाँ पे बची हुई चटनी में डाल दे रही हूँ, इस चटनी को आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है ये, देख लीजिए। और हमें लेना है टूथपिक और इसे बीच में हमें इस तरीके से सब में डाल देना है, देख लीजिए, खाने में बहुत इजी होगी। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देख लीजिए इसकी स्टफिंग, देखिए देखिए इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, मैं टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा बना ये, बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मैं बता नहीं सकती। मैं इसे गार्निश कर दे रही हूँ, आपके घर में जब गेस्ट आए होली के मौके पे इसे ज़रूर बनाइए, और ये सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, कोई झमेला नहीं है बनाने में, इसे बहुत फटफट बन जाती है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।